एटम एट यूनिट सेल, यूनिट सेल में जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, कि कॉर्नर्स पर कितना होता है, फेसेस पर कितना होता है, बॉडी में कितना होता है, फेस डायगोनल पे कितना होता है, बॉडी डायगोनल पे कितना होता है, एज पे कितना होता है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आज हम पढ़ेंगे सिमेट्री एलिमेंट ऑफ द क्यूब या सिमेट्री एलिमेंट ऑफ द सिमेट्री एलिमेंट ऑफ द यूनिट सेल। तो हम यूनिट सेल को किसकी तरह मानते हैं, क्यूब की तरह, किसकी तरह मानते हैं, क्यूब की तरह। मैंने कल आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो आपकी यूनिट सेल में सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि यूनिट सेल में, यूनिट सेल में ये सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां पर पाई जाती है, किस प्रकार, कितनी होती है, क्या होती है। तो देखिए यूनिट सेल को हम कैसे अज्यूम करते हैं, क्यूब, किसके रूप में अज्यूम करते हैं, क्यूब के रूप में। अब देखिए क्यूब, क्यूब में मेनली आपको पता है एक स्पेशल पाई जाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या पाई जाती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए फर्स्ट हम इसमें लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, और आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल हो, चाहे किसी भी एटम हो, कोई कुछ भी हो, यदि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, सिर्फ एक, कितनी होती है सिर्फ एक मॉलिक्यूल में, एक। तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी पाई जा रही है, एक, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का एलिमेंट भी कितने होते हैं, ओनली वन एलिमेंट, कितने एलिमेंट होते हैं, ओनली वन एलिमेंट। और देखिए टोटल एलिमेंट क्यूब में पाए जाएंगे, मैंने कल बताया था 23 सिमेट्री एलिमेंट, कितने पाए जाएंगे, 23 सिमेट्री एलिमेंट। सेकेंड हम क्यूब में किसकी बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री के बाद, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए अब मैंने बताया था आपको कि एक्सिस, एक एक्सिस होती है, और आज इससे थोड़ा सा देख लीजिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री को किससे किससे नोट करते हैं, सी एन से। और यहां पर एन क्या है, एन कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। और इस तरह जो ये सी एन होता है, सी एन बराबर होता है कि हमको 360 बाई एन, कितने 360 बाई एन, कितने डिग्री से हमें क्या करना है, इसे रोटेट करना है, कितने डिग्री से, 360 बाई एन। यदि एन का मान 2 है तो हम मॉलिक्यूल जो एक्सिस लगाते हैं, एक्सिस, उस एक्सिस के थ्रू मॉलिक्यूल को कितने डिग्री पर रोटेट करेंगे, 180 डिग्री पर। देखिए यहां पर हमने लिया एन बराबर 2, C2 एक्सिस में हम 360 डिग्री अपॉन 2, मतलब 180 डिग्री, मतलब हम मॉलिक्यूल को उस एक्सिस के थ्रू कितने डिग्री पर रोटेट करेंगे, 180 डिग्री पर। यदि C3 लेता हूं तो 360 डिग्री अपॉन 3, कितने डिग्री हुआ, 120 डिग्री, कितने डिग्री हुआ, 120 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एक्सिस होगी, हम उस एक्सिस के थ्रू मॉलिक्यूल को 120 डिग्री पर घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं वो एक्सिस क्या होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए क्यूब में जो 3 प्रकार की एक्सिस पाई जाती हैं, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कितने प्रकार की पाई जाती है, C2, C3 और C4। अब देखिए इनकी संख्या कितनी होती है, कितनी तो सी टू
नंबर याद रखना है ओनली 12। क्या नंबर याद रखना? ओनली 12। कि इसमें हमको 12 नंबर याद रखना है। अब देखिए, यदि यहां पर अंक कितना है 2, और यदि 2 को मैं 12 बनाना चाहूं तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से। तो यहां पर कितनी सी टू होती है? 6C2। कितनी सी टू होती है? 6C2। एक क्यूब के अंदर कितनी सी टू होती है? 6C2। यदि मैं 3 नंबर को 12 नंबर बनाना चाहूं तो मल्टीप्लाई कितने से करूंगा? 4 से। तो यहां पर कितनी C3 होती है? 4C3। कितनी C3 होती है? 4C3। और इसे C4 को 4 के 4 नंबर को मैं यदि 12 बनाना चाहूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। तो कितनी होती है? 3C4। यहां पर कितनी सिमेट्री एलिमेंट है? 6C2, 4C3, 3C4। ये समझ में आ गया होगा आपको। याद क्या करना है हमको? यदि मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या होना चाहिए? 12। एक तो ये वाला अंक लो, इसके आगे कितने कितने नंबर आएंगे और हम कैसे देखेंगे कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए? 12। देखिए यहां पर 3C3 है, 3 है, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। इधर ये 4 है, C4 है, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसमें कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? 6 और 4, 10 प्लस 3। तो इसमें टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इक्वल कितने हो जाएंगे? 13। कितने हो जाएंगे? 13। क्योंकि 6 प्लस 4 प्लस 3, 3C2, 4C3 और 3C4। अब देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ नंबर की कितने इसमें कितने क्या चीज होती है, कितनी क्या चीज होती है, कितनी क्या चीज होती है। फिर मैं बताऊंगा कि अपन देखेंगे कैसे कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री को लग तो रही है, लेकिन लग कैसे रही है? क्यूब में कहां से कहां तक गुजरेगी तब वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगेगी? तो देखिए, अब यहां पर हम देखते हैं, थर्ड मैंने बताया था आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या थर्ड एलिमेंट क्या था? सिमेट्री एलिमेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री था। अब यहां पर देखिए, दो प्रकार के प्लेन पाए जाते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, और दूसरा कौन सा प्लेन पाया जाएगा? डायगोनल प्लेन, डायगोनल प्लेन। इनकी टोटल नंबर कितने होते हैं? इनका टोटल नंबर होता है कितने पाए जाते हैं? 3। और ये डायगोनल प्लेन कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। देखिए, समझ में आ गया होगा। अब टोटल एलिमेंट देखिए, 1 और 13 कितना हो गया? 1 और 13, 14 और 14 और 3 17 17 और 6 कितना हो गया? 23। मैंने भी यही बताया था शुरू में कि क्यूब में 23 सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि ये जो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्यूब में कहां से निकलती है, क्यूब में कहां से निकलती है। तो ध्यान रखिए कि चार्ट को आपका बना लेना चाहिए। मैं इस साइड आपको लेबरेट कर रहा हूं, इसे मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री को बता देता हूं। ऐसे देखिए, ये आपका क्यूब बनाएंगे सबसे पहले, तो
क्योंकि देखना तो हम क्या है कि सिमेट्रिक एलिमेंट्स को क्यूब में ही तो है, देखिए आपका क्यूब हुआ। अब आपको मैं बता दूं कि जो C2 एक्सिस है, जो C2 एक्सिस है वो क्या करेगी, ये इसके एजेस किनारों से होकर निकलेगी। कहां से होकर निकलेगी? किनारों से होकर निकलेगी। देखिए किस प्रकार, ये इसकी एक एज है, देखिए ये वाली एज, मैं डार्क कर रहा हूं एज जो से होके C2 एक्सिस निकलेगी, देखिए ये वाली। अब यहां से क्या निकलेगी आपकी C2 एक्सिस, किस प्रकार यहां से गई इस प्रकार और यहां से रोटेट होके ये कौन सी एक्सिस है आपकी C2 एक्सिस, कौन सी एक्सिस है C2 एक्सिस। देखिए जो आपका डस्टर है, सपोज इसको क्यू मान लेते हैं, तो मैंने कहां से लगाई है क्यूब में, इस कॉर्नर इस वाली एज से, ये तो क्यूब है नहीं, नहीं तो क्यूब होता तो इजीली समझ में आता, इस वाली एज से और जो इधर से एज निकलेगी उस वाली एज से सीधू लगाई है, जब मैं इसको ये घुमाऊंगा क्यूब तो एज इट इज हमको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहां पर कितनी एजेस है, 12 एजेस है, और एक सीधू के लिए कितनी एजेस अलॉट हो रही है, एक सीटू के लिए दो एज आ रही है, तो टोटल एजेस कितनी है 12, टोटल एजेस कितनी है 12, तो कितनी सीटू हो जाएंगी 6। देखिए एक वन एक सीटू के लिए कितनी एजेस चाहिए, 2 एजेस, या हम ये कह सकते हैं 2 एजेस के लिए एक C2 एक्सिस होती है, ठीक है। टोटल एजेस कितनी होती है क्यूब में, क्यूब टोटल एजेस इन क्यूब इक्वल 12, तो 12 के लिए कितनी हो जाएगी, 12 एजेस के लिए C2 कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 12, तो कितनी C2 हो जाएगी 6C2। और यही मैंने तो बताया है कि एक्सिस ऑफ ज्योमेट्री में क्यूब के अंदर कितनी C2 होती है, 6C2। समझ में आना चाहिए ये सारी चीजें क्या होती है, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने बताया है C2 का, कि C2 जो एक्सिस होती है वो कहां से निकलती है, इस एज से लेके उस एज तक। नेक्स्ट देखिए आप C3 एक्सिस, C3 एक्सिस के लिए वही सेम हम क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे, जो ये है आपकी कौन सी एक्सिस होगी C3, कौन सी एक्सिस होगी C3 एक्सिस, कौन सी एक्सिस C3 एक्सिस, मतलब हम जब इस क्यूब को इस एक्सिस के थ्रू 120 पर घुमाएंगे तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, क्या होगी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। और आपको पता है देखिए C3 एक्सिस, हम सेम वही कैलकुलेशन करेंगे,
क्या सी थ्री एक्सिस। एक सी थ्री के लिए कितने कॉर्नर चाहिए, टू कॉर्नर्स, या ये बोल सकते हैं टू कॉर्नर्स के लिए वन सी थ्री एक्सिस, क्योंकि दो कॉर्नर से होकर तो निकल रही है वन सी थ्री एक्सिस। अब देखिए दो कॉर्नर से होकर निकल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि क्यूब में, क्यूब में टोटल कॉर्नर, क्यूब्स कॉर्नर, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में, एट। यदि दो कॉर्नर के लिए इतनी है तो एट कॉर्नर के लिए कितनी हो जाएगी, एट कॉर्नर, कॉर्नर्स के लिए वन बाई टू इंटू एट सी थ्री, तो कितना आ जाएगा फोर सी थ्री। यही तो निकाला है हमने, यही तो बोला है मैंने कि एक सी थ्री होती है टू कॉर्नर्स के लिए, यही बोल सकते हैं टू कॉर्नर्स से एक सी थ्री एक्सिस निकलती है। तो क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, एक, क्यूब में एक कॉर्नर्स होते हैं, तो एक कॉर्नर्स के लिए कितनी सी थ्री मिलेगी आपको, वन बाई टू इंटू एट इंटू सी थ्री, ये टू से कट गया और क्या आ गया फोर सी थ्री। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो सी फोर एक्सिस है वो कहां से निकलती है, ये आपकी कौन सी एक्सिस है सी थ्री, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम, तो सी फोर एक्सिस वही हम देखेंगे, सबसे पहले क्यूब बनाएंगे, देखिए जो सी फोर एक्सिस होती है, जो सी फोर एक्सिस होती है ये निकलती है फेसेस से, ये कहां से निकलती है सी फोर एक्सिस कहां से निकलती है फेसेस, और किस प्रकार निकलती है वो देख लीजिए। देखिए ये हम साइड वाली फेस, जैसे क्यों क्यों मान लीजिए सीधा रखा हुआ है, इस वाली फेस से इस वाली फेस इसके मध्य, देखिए ये इधर से लिया हमने, इसको रोटेट किया C4 मतलब 90 डिग्री के एंगल से, कितने डिग्री के एंगल से 90 डिग्री के एंगल से, तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होगी तो हम ये कह सकते हैं इसमें C4 सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो देखिए अब ध्यान रखना C4 एक्सिस, एक C4 एक्सिस कितने फेसेस से होकर गुजर रही है, दो फेसेस से होकर गुजर रही है। देखिए हम ये कह सकते हैं दो फेसेस से होके एक सी फोर एक्सिस पास हो रही है। क्यूब में, क्यूब में टोटल कितनी होती है, क्यूब्स टोटल फेसेस कितनी होती है क्यूब में टोटल फेसेस, सिक्स। जब दो फेसेस से एक सी फोर निकल रही है तो सिक्स फेसेस से कितनी सी फोर निकलेंगी, थ्री। देखिए किस प्रकार सिक्स फेसेस से कितनी सी फोर निकलेंगी, वन बाई टू इंटू सिक्स सी फोर, कितनी आ गई थ्री सी फोर। यही तो मैंने लिखा है, यही तो मैंने लिखा है आपको। अब देखिए ट्रिक मैंने बताई थी कि हमको कौन सा नंबर याद रखना है, ओनली ट्वेल्व, ट्वेल्व नंबर याद रखना है। जब सी टू होता है, सी टू में कौन सा नंबर आ रहा है टू, और इसे किस में कन्वर्ट करना है अपने को, ट्वेल्व में, तो मल्टीप्लाई बाई सिक्स, कितनी सी टू सिक्स सी टू, तीन नंबर को ट्वेल्व में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, चार से, और चार से मल्टीप्लाई किया तो फोर सी थ्री सी फोर, कितना नंबर चार नंबर, मल्टीप्लाई किससे करना है ट्वेल्व, सॉरी मल्टीप्लाई किससे करें जिससे ट्वेल्व बन जाए, थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितनी सी फोर हो गई, थ्री सी फोर, जो हमने यहां से यही निकाला है। अब देखिए सर ये तो आपको पता थी कि ये फेसेस हैं, ये फेस से गुजर रही है, फेस से गुजर रही है, कॉर्नर से गुजर रही है, हमको कैसे याद रखें, हम तो भूल जाते हैं सर, तो याद करने के लिए भी बताते हैं आपको। देखिए जो ये नंबर दिया
स्टेप देखना कि ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां से गुजरेगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां से पास होगी, कहां से पास होगी, उसकी ट्रिक देखिए किस प्रकार। जो भी आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री दी हुई है, जो भी आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री दी हुई है, तो ये हमने क्या दे रखा है, सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री दी हुई है। इसके आगे कितना नंबर है, 50C2 है, 6C2 यहां पर क्या है, 6C2 दे रखी है। तो जो इसके आगे नंबर लगा हुआ है इसे क्या करो, डबल, इसे क्या करो, डबल, सी इंटू टू, टोटल कितने हो गए, 12, टोटल कितना हो गया, 12। और क्यूब में 12 क्या चीजें होती हैं, ये देखो, क्यूब में नेक्स्ट इफेक्ट क्या देखना है, क्यूब में ये जो नंबर आया है आपका, ये क्या होता है, क्यूब में ये नंबर क्या होता है, तो क्यूब में आपको पता है एजी कितनी होती है, 12। क्यूब में एजेस क्या कितनी होती है, 12। तो क्यूब में ये बोल सकते हैं, क्यूब में 12 एजेस होती हैं, क्यूब में 12 एजेस होती है। तो जब क्यूब में 12 एजेस होती हैं, तो 6C2 कहां से निकलेगी, एजेस से, किनारों से, कहां से निकलेगी, एजेस से। पता चल गया, क्या किया हमने, आगे वाले नंबर को डबल किया, फिर हम क्यूब में चेक करते हैं कि ये नंबर किसके बराबर आ रहा है, कि नंबर ऑफ एजेस के बराबर आ रहा है, या नंबर ऑफ कॉर्नर्स के बराबर आ रहा है, या नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स के बराबर आ रहा है, या नंबर ऑफ फेसेस के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है। तो हम उससे पता लगा लेंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री उधर से गुजरेगी। ये समझ में आ गया होगा, 12 एजेस होती है, 12 एजेस होती है, तो ये जो सी टू एक्सिस है कहां से पास होगी, एजेस से, कहां से पास होगी, एजेस से। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या आया आपका, 4C3 क्या है, 4C3 मैंने बोला है जो आगे नंबर लगा हुआ है उसे डबल करो, डबल किया, 8। अब क्यूब में 8 क्या होती है, 8 नंबर में क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। तो देखिए 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये सी थ्री एक्सिस कहां से पास होगी, कॉर्नर से, कहां से पास होगी, कॉर्नर से। तो सिंपल से आपको मैंने ये नहीं बता दिया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है, तो वो 12 नंबर से क्या कर सकते हो, कहां से पास हो रही है, आगे जो नंबर लगा हुआ है उसका डबल करो और देखो कि वो नंबर क्या है आपका। नंबर ऑफ एजेस के बराबर है तो एजेस से पास हो रही है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स के बराबर है तो कॉर्नर से पास हो रही है, नंबर ऑफ फेसेस के बराबर आएगा तो फेसेस से पास हो रही है। देखिए थर्ड देखते हैं हम, तीसरी की बात करते हैं, अब ये हम बात करते हैं किसकी, C4 एक्सिस की। कितनी C4 एक्सिस है, 3C4 एक्सिस, जो आगे नंबर दिया हुआ है उसका डबल करो, कितनी हो गया, 6। और 6 नंबर में क्यूब में क्या क्या पाई जाती है, फेसेस, कितनी फेसेस होती है, ये नंबर नंबर ऑफ फेसेस के बराबर है, नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूब। तो जो ये एक्सिस है ये कहां से निकलेगी, फेसेस से, कहां से निकलेगी, फेसेस से। तो ये समझ में आ गया होगा, ये कहां से निकलती है, एजेस से, ये कहां से निकलती है, कॉर्नर से, और ये कहां से निकलती है, फेसेस से। नेक्स्ट देखते हैं प्लेन ऑफ ज्योमेट्री, नेक्स्ट क्या देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए दो तरीके के प्लेन होते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन और डायगोनल प्लेन। तो देखिए रेक्टेंगुलर प्लेन में क्या होता है, वह प्लेन जो क्यूब को दो भागों में तो बाइसेक्ट करे लेकिन उसके डायगोनल से होके ना गुजरे, क्या उसके डायगोनल के समपाती ना हो, ये बोल सकते हैं कि डायगोनल की कोलिनियर ना हो। तो देखिए ये आप सपोज कर लीजिए, ये क्या है, क्यूब है, सपोज कीजिए
क्या हुआ, तो ये डायगोनल से नहीं गुजर रहा, क्योंकि डायगोनल क्या होते हैं आपके, इधर क्यूब में देख लीजिए, क्यूब में समझा देना, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये आपका कौन सा प्लेन है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर प्लेन। अब देखिए ये किस प्रकार लगता है क्यूब में, ये सामने से, ये मतलब क्या होता है, ये जो आपका फेस है उसको दो भागों में डिवाइड करता है, इसको फेस को, या हम ये बोल सकते हैं ये एजेस को दो भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है, या आमने सामने वाली फेसेस को दो भागों में डिवाइड करता है। ये कौन सा प्लेन होता है, रेक्टेंगुलर प्लेन। इनकी संख्या कितनी होती है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन, इनकी संख्या कितनी होती है, तीन। और आपको पता है तीन कैसे निकलेगा, क्योंकि एक प्लेन दो फेसेस से होकर गुजर रहा है, टोटल फेसेस कितनी है, सिक्स। ये देख सकता हूं दो फेसेस से, फेस से एक प्लेन गुजर रहा है, प्लेन निकलता है, तो सिक्स फेस से थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन निकलेंगे, तो सिक्स फेस से कितने रेक्टेंगुलर प्लेन निकलेंगे, थ्री। एक तो यू, एक इस प्रकार, ठीक है, एक तो सामने से, एक ऊपर से और एक इधर से, एक तो ऊपर ऊपर और नीचे वाली फेसेस को डिवाइड करें, एक सामने और नीचे वाली फेसेस को डिवाइड करें, और एक साइड वाली फेसेस को डिवाइड करें, कितने प्लेन होंगे, तीन प्लेन। मैंने एक को बना के बता दिया इस प्रकार होगा। नेक्स्ट देखिए डायगोनल प्लेन, ऐसा प्लेन जो उसके डायगोनल से होके निकले, और अपने को आपको पता है कि डायगोनल टोटल नंबर में कितने होते हैं, सिक्स। सर हमने तो बोल पड़े सिक्स होते हैं, देखिए कैसे, दो तो होते हैं बॉडी डायगोनल, दो क्या होते हैं, बॉडी डायगोनल, और चार क्या होते हैं, फेस डायगोनल। देखिए फेस डायगोनल का मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार होगा, समझ में आ गया होगा। इस प्रकार कितने प्लेन होते हैं, सिक्स प्लेन होते हैं, कितने प्लेन होते हैं, सिक्स प्लेन, क्योंकि एजेस कितनी होती है टोटल 12, क्योंकि एजेस से होकर ही उन्हें कर रहा है। देखिए मैं ये बोल सकता हूं कि ये डायगोनल प्लेन है, डायगोनल प्लेन है,
ये थ्री, क्योंकि ये तो निकलते हैं बेसेस से और ये किससे निकलते हैं एजेस से। कितनी एजेस होती है अपनी टोटल? 12। एक डायगोनल प्लेन दो एजेस से निकल रहा है, 12 एजेस से कितने डायगोनल प्लेन निकलेंगे? 6। यदि एक रेक्टेंगुलर प्लेन दो फेसेस से निकल रहा है तो 6 फेसेस से कितने रेक्टेंगुलर प्लेन निकलेंगे? 3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा है क्यूब में टोटल सिमेट्रिक एलिमेंट। मैंने आपको समझा दिया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप कैसे निकालोगे, कि कितनी एक्सिस C2 एक्सिस है ये भी बता दिया, और कहां से निकल रही है ये भी बताया, रेक्टेंगुलर प्लेन कितने हैं कहां से निकल रहे हैं, इसमें मैंने आपको बाया डायग्राम समझा दिया है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां पे है इसको और एक बार देख लीजिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां पर जाएगी? एंड ऑफ बॉडी, बिल्कुल मिड ऑफ द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर जहां होगा यहां पर क्या पाई जाएगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस प्रकार सभी कॉर्नर से, तो ये क्या है आपकी आई, आई से डिनोट करते हैं इसे, सेंटर ऑफ सिमेट्री को किससे डिनोट करते हैं? आई से। इसे किससे डिनोट करते हैं? सीएन से। और सीएन में भी कितनी सी टू, इसे किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा। किससे? सिग्मा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल यूनिट सेल के ऊपर की तरह मानते हैं, और सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सी टू एक्सिस कितनी है, सी थ्री कितनी है, और सी फोर कितनी है, और ये एक्सिस कहां से होकर निकल रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको ये बता दिया मैंने कितने रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं, कितने डायगोनल प्लेन होते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेन क्या होते हैं? कि जो उस पर डायगोनल पे लीनियर ना हो। और ये डायगोनल प्लेन क्या होते हैं? जो डायगोनल के बिल्कुल लीनियरली चले, चाहे वो फेस डायगोनल हो चाहे आप बॉडी डायगोनल। ये समझ में आ गया होगा। फिर इनकी नंबर कैसे निकालते हैं, 6 कैसे आया, 3 कैसे आया, सब बताया आपको। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे, क्यूब के सिमेट्री एलिमेंट, टोटल सिमेट्री एलिमेंट कितने थे? 23। और 23 सारे मैंने बता चुका हूं। देखिए फिर एक बार देख लीजिए, 1 + 30 + 14 + 3 + 17 + 6 = 23। टोटल 23 सिमेट्री एलिमेंट थे। नेक्स्ट हम क्रिस्टलोग्राफिक लॉ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।